किसान परेशान है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, लोग इससे परेशान है, इसलिए वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते। मैडम बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी लगते हैं और सबसे पर लीक हो या 7 साल में सबसे ज्यादा तो भर्तियां हुई कहाँ है, सरकारी पे सेकंड नंबर पे हरियाणा। भर्तियां कहाँ हुई है, रद्द कर दी सीएम साहब ने, अब नई भर्तियां होगी, अब भर्ती हुई है पिछले। रोजगारी में नंबर 2 पे आता है कि नहीं आता है हरियाणा? अब रोजगार 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में दुष्यंत भैया ने जो दिया है ना, वो युवाओं के लिए सबसे बड़ी काम है वो। नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है, बीजेपी ने काम किया, आप उन्हें गिनवाए, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर हो रहा है, मैं तो उस पर बातचीत कर रही हूं। जितने लोग खड़े हैं ना, सारे बीजेपी और जेजेपी के साथ हैं, जो वो विरोध करने वाले लोग हैं ना, वो आईएनएलडी के पेट वर्कर हैं। ये चलिए आप कह रहे हैं आईएनएलडी के हो सकते हैं, एक मिनट, लेकिन पूरे देश में इस वक्त बीजेपी और पूरे हरियाणा में जेजेपी का किसान विरोध कर रहे हैं। किसान हम किसान नहीं है क्या, ये जो खड़े हम भी सारे किसान हैं। आप किसान हैं? आप किसान हैं? और आज तक जो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप, आज तक जितना भाव मिल रहा है ना फसलों का, आज तक 50 सालों में कभी मिला नहीं। सरसों हमारी 7,000-8,000 रुपए बिक रही है, किसान है ना, 6,000 रुपए बिक गया, और गुआर जो है 8,000-10,000-12,000 तक गुआर बिक गया, और दूसरी बात नरमा 10,000 जाएगा। हम तो बीजेपी और जेजेपी के साथ हैं। खेती महंगी हो गई है, जो किसान का बेटा है वो खेती नहीं करना चाह रहा क्योंकि खेती महंगी हो गई है। पेस्टिसाइड का गट्टा 5 साल पहले 1200 था, आज भी 1200 रुपए का। यूरिया का गट्टा 350 का 5 साल पहले था। मिनट आप सवाल तो सुनिए ना, फिर उसका काउंटर दीजिए मुझे। जो लोग कह रहे हैं मैं वही सवाल आपसे कर रही हूँ, डीएपी के गट्टे के लिए लाइन लग रही है, एमएसपी पे आपको फसल बिक रही है? बिल्कुल बिक रही है। एक मिनट, तो फिर यहाँ पे किसान वो क्यों कह रहे हैं कि 2250 की जो है एमएसपी है 1121 में बिक रही है? मैंने तो ये ग्राउंड रिपोर्ट किया तब बता रही हूँ। तो भाव अंतर दे रही है सरकार 600 रुपए के, मेरे 6 किलो में बाजरी कर रही है, 500 रुपए का नुकसान हो रहा है, 2250 रुपए गिल्ली है बाजरी, सूखेगी तब 2200 रुपए बिकेगी। अभी क्यों नहीं बिक रही? अभी क्यों गिल्ली है, थोड़ी उसके अंदर नमी है, नमी। डीएपी के कट्टे पे इतनी लाइन क्यों लग रही है? क्या जी? डीएपी के कट्टे के लिए लाइन क्यों लग रही है? लाइन अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, हमारे गोदाम में जाके देखो, एक मिनट, गोदाम में जाके देखो, गोदाम भरा पड़ा है। अब बुआई का सीजन अब आया है, तो अब डीएपी आ गई, आज से 15 दिन पहले किसको डीएपी चाहिए थी, पहले वाली फसल हम काट रहे हैं। पहले तो नहीं लगती थी लाइन, पेट्रोल डीजल के दाम पहले तो महंगे नहीं थे, जब 60 रुपए थे पेट्रोल डीजल के दाम। एक मिनट सर, मेरा सवाल खत्म होने दो। जब पेट्रोल डीजल के दाम 60 रुपए थे, तब स्मृति ईरानी थी ना जो सड़क पर थी कि हम आपको पेट्रोल 30 मतलब और कम पे दिलाएंगे, लेकिन अब डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सरकार चलाने एलपीजी गैस सिलेंडर बढ़ गया। सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है, पहले वाली सरकार को पैसे नहीं चाहिए। पहले कच्चे तेल के भाव कहाँ थे, पहले 30-40 रुपए पेट्रोल था पहले वाली सरकार, क्या 40 रुपए था पेट्रोल पहली वाली सरकार में, जितना पिछले 100+ हो गया। तो एक बार सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार पहले वाली सरकार को नहीं चाहिए था, पहले वाली सरकार को नहीं चाहिए, पहली वाली सरकार में जितने घोटाले होते थे इतने तो गिने नहीं जाते, इस सरकार घोटाले नहीं हुए, बिल्कुल घोटाला नहीं हुआ जी बीजेपी की सरकार में, कोई घोटाला नहीं हुआ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं स्पेक्ट्रम घोटाला, कोई कौन सा घोटाला हो गया? राम मंदिर बनवाया उस पर 18 करोड़ की जमीन, इसी राजीव गांधी जी एक बात कहते थे, आप बात एक रुपया चलता है वो जनता के पास पहुंचता है 20 पैसे तक हो जाता है, अब 1 रुपया ऊपर से आता है और 1 रुपया लगता है गाँव के अंदर। तो विकास आप कह रहे हुआ है, लेकिन मैं लोगों से मिल रही हूँ, लोग कह रहे हैं हमारी बातें नहीं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, विकास के लोग है जी। अगर मैं आज विपक्ष में होता तो मैं यही बात, महिलाएं विपक्ष की हो गई, महिलाएं विपक्ष। अगर मेरे घर की मेरी माँ और मेरी दादी जैसे है, वो अगर हम आज सरकार के साथ, वो हमारे पीछे ही होंगी। आप कट्टरवादी सोच को क्यों फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसे कट्टरवादी सोच कहाँ है जी? मैं आपसे पूछ रही हूँ जो सवाल, अब एक बात बताइए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम कहते हैं कि 500 से 1000 वॉलंटियर बना लो, जैसे को तैसा डंडे उठा लो, ये एक सीएम का कहना सही? आम किसान है, आम किसान का हम सम्मान करते हैं, और जो आईएनएलडी और कांग्रेस के पेट वर्कर है ना, मनोहर लाल जी खट्टर बिल्कुल सही कहते हैं, उनके साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा वो बोल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को कैसे पता है आईएनएलडी के लोग यहाँ पे? तो मनोहर लाल खट्टर राजा है, उसके पास एक एक मिनट की सीआईडी जाती है। उन्हें ये भी पता है ना 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ है, हमने चंदा भी दिया है उनको किसान आंदोलन वालों को, पर अब जो विरोध कर रहे हैं सरकार उनकी क्यों नहीं सुन रही? अब जो ये विरोध कर रहे हैं ना यहाँ लोग इलेक्शन के टाइम है, तो कह रही हूं, मैं तो कह रही हूं, आप पेट वर्क करें जी, आप एक बात बताइए कि क्यों नहीं सरकार उन किसानों की सुन लेती? चलिए वो तो किसान है ना, 3 बॉर्डर्स पे बैठे हुए, तो क्यों नहीं सुन? बिल्कुल सरकार सुनेगी जी, अगले महीने तक ये कानून रद्द हो जाएंगे, देखना आप। 10 महीने से जो परेशान हो रहे हैं, 700 किसान शहीद हो गए, मोदी जी उन पे मौन भी नहीं रखते हैं। किसान है वो, मोदी जी से पूछो जी, वो ऊपर लेवल की बात है। अरे बीजेपी को वोट कर रहे जा रहे हो, वोट करने बिल्कुल इतना लेवल नहीं है बड़ा हमारा, हमारा गांव का लेवल है एरिया के। और मैं एक बात बताइए, अरे एक मिनट, आप कह रहे हैं गोविंद खांडा को वोट देंगे, बीज उनकी खुद की पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, तो उन्होंने बीजेपी की टिकट पर क्यों चुनाव लड़ रहे हो? उनका समर्थन है सरकार के अंदर,
ठीक है, और जेजेपी का समर्थन है सरकार के अंदर, और जो गोविंद खुद की पार्टी तो अपनी पार्टी से गठबंधन है जी, गठबंधन का धर्म है ये, गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं तो अब करें गठबंधन है इलाहाबाद उपचुनाव जी, गठबंधन तो गठबंधन ही होता है। चलो सर ये बता दो फिर, आप इसका जवाब तो देखो ढंग से दे नहीं पाए, गठबंधन गठबंधन होता है क्योंकि ये तो अभी हो गए, ये वही बीजेपी पार्टी है जो गोपाल कांडा का विरोध करती थी, उन्हें बलात्कारी कहती थी, सड़क से संसद तक विरोध करती थी, अनिल विज विधानसभा से कहते थे उंगली दिखा दिखा के कि भैया ऐसा है इनको अंदर नहीं घुसने दे। जवाब दे रहा हूँ मैं इस बात का, आज अगर हम विपक्ष में होते तो ये करते, विपक्ष का काम होता है जी मुद्दे उछालना, खिलाफ बोलना, आज जनता के साथ प्रॉब्लम, जनता के साथ सरकार होती है तो हम कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस से 100 गुना अच्छी है ये सरकार, ठीक है जनता, लेकिन इसमें जनता भ्रमित हो रही है। रामराज है जी, पिछले 7 सालों, एक मिनट, पिछले 7 सालों से रामराज है, पहले सरकारें होती थी उसमें मैं आपको बताऊं गुंडा राज, सड़कों पे लोगों को सरेआम पीटा जाता था, ऐसा कोई है क्या आज? एक मिनट, मैं मानती हूँ जनता सरकार का काम है विपक्ष का विरोध करना, लेकिन इन सब में जनता भ्रमित नहीं होती? जनता को तो भ्रमित करते ही हैं जी नेता लोग, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके के लिए आप, फिर आम जनता को सपोर्ट कर रहे हैं आप, आम जनता के लिए आम जनता के साथ हैं जी बिल्कुल, तो नहीं रहा मुझे क्यों आम कह रहे हैं, ये तो विपक्ष का काम है विरोध करना, ये तो विपक्ष का काम होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष का काम ही विरोध करना होता है और काम ही नहीं होता जी, विपक्ष का तो काम यही होता है।